हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज मैं आपको ये इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि मैंने जैसे ट्रेज में सेंसिवेरिया लगाई थी, तो इसका मुझे कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, तो वही मैं शेयर कर रहा हूँ। एंड बिकॉज चलो इसके बेनिफिट से ही स्टार्ट कर देते हैं। बेनिफिट मेरे को जो इसमें लगाने के लगे कि आपकी एक ग्रोथ जो है ना प्लांट्स की, वो थोड़ी फास्ट हो जाती है। लाइक पॉट में, जैसे पॉट में मैं आज इनको शिफ्ट करूँगा, तो पॉट्स में क्या होता है कि एक लिमिटेड एरिया होता है फॉर द रूट्स, तो वो ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने का। इसमें क्या है, ये अपनी रूट्स जहाँ तक चाहें वहाँ तक फैला सकते हैं, तो इनको न्यूट्रिशन थोड़ा इजीली मिलता है और मॉइस्चर भी बना रहता है। सेकेंडली मैंने देखा है कि ऐसे ट्रे सेटअप में लगाने से ना पपिंग फास्ट होती है, तो ये ऑफसेट्स काफ़ी जल्दी देते हैं। मतलब ये सारे ही प्लांट्स, जैसे ये है सेंसेवेरिया टोनी, तो इसमें भी ऑफसेट है, ये मूज है, इसमें दो ऑफसेट्स हैं, सी अर्चिन में दो हैं। ये जस्ट मैंने पप लिया था, बट इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट हुई है। ये है मेलन, और ये फैट मैन में भी दो पप थे, एक मैं हार्वेस्ट कर चुका हूँ, एक और है। सो और दिस इज़ आर्यन, आर्यन में भी ये एक पप आया हुआ है। तो एक तो ये ऑफसेट्स इसमें थोड़ी फास्ट मैंने देखे, बट कुछ लोग कहते हैं कि जैसे बॉन्सिल वैरायटी जो है वो सॉइल ज़रूर ऐड करनी चाहिए, उससे थोड़ा फैट हो जाता है। तो मेरे को मतलब मैं ठीक है, अभी मैंने वो किया नहीं है कि मैं अपने किसी सेंसेवेरिया में सॉइल ऐड करूं, बट अगर ये कहना ठीक है कि भाई सॉइल में अगर ऐड करें तो फैट हो जाती है, तो आप ये देखो, जैसे ये सेंसेवेरिया टोनी है, ये बहुत थिक लीव्स हैं इसकी, बट ये जो है ये फैट मैन है। इसे एक्चुअल में थिक होना चाहिए था, बट दिस इज़ नॉट वेरी थिक लीव प्लांट। तो मतलब ये बात तो दोनों ही एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं कि सेंडर में बेस मीडिया में लगाने से प्लांट फैट होगा या नहीं होगा। आई थिंक वो हर जगह अपना एनवायरनमेंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो मैं सेंडर बेस ही लगा रहा हूँ, और सेम आप देख लो, ये एक प्लांट टोनी, इसे इतना फैट नहीं होना चाहिए था, बट ये बहुत फैट है। आई डोंट नो ये वीडियो में प्रॉपरली दिख रहा है या नहीं, बट वो तो आपको स्लिम ज़रूर दिख रहा होगा, जबकि उसका नाम ही फैट मैन है, उसे फैट होना चाहिए था। तो अभी मैं इनको जस्ट पॉट्स में यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को रिपोर्टिंग भी करनी है, फरवरी स्टार्ट हो चुका है। सेकेंड, इसमें ना एक प्रॉब्लम आती है ट्रेज में, जो कि आएगी ही आएगी। अगर आपको मान लो ये एक प्लांट लगा हुआ है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, आप इसको अपरूट करोगे, तो आसपास की प्लांट की रूट्स भी जो यहाँ तक अगर आई हुई हैं तो वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं ट्रे सेटअप में। तो अगर कुछ मतलब किसी के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं सेम थिंग्स के। और मैं बस आज अभी देन शिफ्ट करने के बाद आपको जैसे एक ओवरव्यू दे दूँगा। एंड पपिंग की मैं बात करूँ तो दिस इज सेंसेवेरिया मिनी बोनसल, वो अभी इतनी छोटी है, तो उसमें भी 3 पप्स आए हैं, तो पपिंग तो इज़ वेरी फास्ट। बाकी आगे देखते हैं। अब मैं आज से इनको मतलब इसमें पपिंग हो चुकी हैं, ये साइज़ भी गेन कर चुके हैं, तो इनको पॉट में शिफ्ट करते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। सी, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि ट्रेज में पपिंग थोड़ी फास्ट होती है, तो उसका आप ये देख लो, मैंने आपको फैट मैन में भी दिखाया था और इसमें भी देख लो, 1 2 3 4 5 एंड एक पीछे है। सो मेरा एक हाथ में थोड़ा कैमरा है पर दिखा नहीं, ये देखिए 1 2 एंड 4 दीज। तो ये फ़ायदा होता है ट्रे में लगाने का, पपिंग आपकी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ग्रोथ अच्छी आती है इसमें। तो 6 पप्स एंड सिंगल प्लांट, एंड ये जस्ट 4 मंथ्स पहले ही लिया था मैंने एक्सचेंज में किसी से, तो आई एम वेरी हैप्पी। ये आगे जाके बहुत अच्छा एक मतलब मदर प्लांट एंड स्पेसिमेन बनेगा, तो इसको भी एक अच्छा पॉट देते हैं अभी। तो प्लांट्स तो ये रिपोर्ट हो गए हैं, एंड इनके पुराने वाले टैग्स ही मैंने यूज़ करके सेम लगा दिए हैं,
कुछ आप ये वाइट में ही कन्वर्ट करने हैं इस बार, देन वाइट पॉट्स में। और ये मैंने ऊपर जो डाला है, ये मैंने रेडोमिल गोल्ड फंगीसाइड डाला है। और अभी मैं जस्ट एक वाटर स्प्रे दे दूंगा इनको, तो थोड़ा थोड़ा वाटर डाल देंगे। देन ये मतलब ये ऑलमोस्ट इनकी रूट्स तो बहुत बढ़िया हैं, तो ये तो विद इन डेज ही ये जस्ट ग्रो करने लगेंगे। सो हैव फन एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।